नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। दमोह उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। कांग्रेस जीत गई हो, बीजेपी भले हार गई हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों पर अगर देखा जाए तो भारी पड़ गया ये चुनाव। अब तक 10 लोग, 10 नेता ऐसे दोनों ही पार्टियों के बुलाकर बात की जाए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस उपचुनाव के प्रचार में व्यस्त थे, कोरोना संक्रमण का शिकार हुए और उनकी जान चली गई। बड़ा सवाल ये कि नेता जो झंडा बैनर उठा रहे थे, कार्यकर्ता जो उठा रहे थे, क्या उनकी कोई सुध लेने वाला है? ये सवाल भी उठता है। दमोह की सोनाक्षी अपने पिता की तस्वीर लिए हुए आपको जो नजर आ रहे हैं कि पिता देवनारायण श्रीवास्तव बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे एक जमाने में, बीजेपी के लिए काम किया, इस उपचुनाव में भी काम किया। सोनाक्षी की माँ का पहले निधन हो गया था, पिता भी चुनाव के दौरान संक्रमित हुए, उनका भी निधन हो गया। अब इस मामले में क्या कार्यकर्ताओं की कोई सुध लेता है? हमने बीजेपी के जिला अध्यक्ष से बात की तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी तो सुध लेती है और सरकार से लेकर नेता भी खबर लेते हैं। उस दौरान कोरोना पीक पर था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए चुनाव में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, सभी कार्यकर्ता अपने मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे। ऐसा नहीं है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी रख रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी पूरा ध्यान रख रहा है। जो भी उनको आवश्यकता चाहे आर्थिक रूप से पड़ती है या मानसिक रूप से संबल देने की बात होती है, तो हमारे चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हों, स्वयं फोन लगाकर उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें संबल देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के नेता है लालचंद राय, जिन पर इस चुनाव का प्रभाव ऐसा पड़ा कि इनके परिवार तक संक्रमण पहुंचा, खुद भी संक्रमित हुए, इनकी पत्नी का निधन हो गया। लेकिन लालचंद राय स्वीकारते हैं इस बात को कि जो उपचुनाव हुआ दमोह में, इसकी वजह से कोरोना फैला और वाकई में उपचुनाव उस समय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतनी भीड़ आ रही थी दमोह में जिसकी वजह से लोग संक्रमित हुए। कांग्रेस नेता खुद स्वीकार रहे हैं। वो वर्तमान में लायंस क्लब अध्यक्ष के रूप में समाज सेवा के जो काम रहते थे या करते थे, लेकिन इनफैक्ट चुनाव के दौरान निश्चित रूप से मेरे पास तीन वार्डों का था, सिविल वार्ड नंबर 8, 9, 10, और शहर की विभिन्न स्थानों पर मेरे को जाना होता था, और ये समझ नहीं पाया कि ये वायरस कब मेरे उसमें आ गया। अब संक्रमण कैसे फैला कैसे नहीं फैला, भीड़ का है, लेकिन ये बात सही है कि अगर उपचुनाव ना होते, चाहे आज देश में 5 स्टेडियम में भी की स्थिति भी चुनाव के कारण बाद बिगड़ी, और दमोह में तो कोरोना का जो भयावह रूप दिखा उसमें हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रहा, और उस आने जाने से संक्रमण शहर में फैला, उस शहर में बहुत ही लोगों जो संक्रमण से अस्वस्थ हुए, और ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो अपने परिवार में वापस स्वस्थ होकर आए। कांग्रेस नेता भी स्वीकार रहे हैं, सब स्वीकार रहे हैं इस तरीके से बात को। वास्तव में दमोह में उस दौरान सवाल उठ रहे थे, लोगों ने तो विरोध प्रदर्शन भी किया था दमोह में, सीएम के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये भी किया था कि इस दौरान लॉकडाउन की जरूरत है या चुनाव की जरूरत है। तो ये तमाम स्थितियां दमोह उपचुनाव के बाद निकल कर सामने आई। नतीजे में हार जीत भले ही हो गई हो कि कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने नेताओं को गंवाया। और सवाल ये भी है कि नेता भले अपने बयान दे रहा हूँ, लेकिन जो चुनाव के वक्त में अपने कार्यकर्ता के घर जाते थे, कार्यकर्ता की जरूरत थी, लेकिन क्या उसी कार्यकर्ता जिसके घर पर अब क्या नेता पहुंचते हैं, वो कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए काम करते करते अपनी जान गंवा दी, उस पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार की कोई सुध लेने वाला है? ये देखने वाली बात है, क्योंकि दमोह उपचुनाव को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे कि आप वास्तव में चुनाव जरूरी था। आप देखते रहे एमपी तक।